मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, उसकी मात्रा, उसके विमा के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। जैसे अपने चैप्टर फर्स्ट में किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो कितनी आई थी आपको याद है तो 1/4πε0Q/r². तो आज हम देखते हैं कि विभव का मान क्या होता है। विभव निकालने के लिए आपको पता है पहले आवेश को लाने में किया गया क्या निकालना पड़ेगा, कार्य का मान क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ देखो सबसे पहले ये आपका है कोई क्यू आवेश, मान लो इससे r दूरी पे आपने कोई बिंदु माना है P, और यहाँ पे आपने मान लो कोई बिंदु लिया है A, और यहाँ पे लिया है कोई बिंदु B। इस बिंदु आवेश x दूरी पर आपका कौन सा है बिंदु B स्थित है, और r दूरी पे आपका कौन स्थित है बिंदु P स्थित है। ये कोई क्यूनॉट आवेश है जिसको आपको कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके आना है। तब आपको अगर इन्फिनिटी से इस क्यूनॉट आवेश को आपको कहाँ तक लेके आना है, बिंदु P तक क्या करना है लेके आना है, और इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या करना होगा आपको निकालना होगा। लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको नहीं निकाल सकती। रीज़न क्या है, क्योंकि रास्ते में हर बार इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है और अपन को यह भी नहीं पता है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो हर बार फोर्स और डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला नहीं रख सकती। लेकिन हाँ, अपन स्मॉल वर्क डन निकाल के उसका इंटीग्रेशन करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क डन का मान क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले मान लेते हैं कि हमें सबसे पहले आपको क्या है, आप एक बात बताओ इस आवेश क्यू और क्यू नॉट के बीच कौन सा बल लगेगा, कूलॉम बल लगेगा। तो आपको लिखना है क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला कितना है, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। तो आप देखोगे एफ बराबर कितना होता है कूलॉम बल, 1/4πε0Q1Q2r². तो देखो 1/4πε0 Q1 कितना है यहाँ पे Q, और Q2 यहाँ पे कितना है Q0, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास x, यहाँ से लेके यहाँ तक Q0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है x, तो x का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। समीकरण नंबर देखो इसको तो डॉट आपका किस में खुलेगा, कॉस थीटा के, तो लिखो यहाँ पे
या समांतर दोनों तरफ। देखो दोनों तरफ समांतर करेंगे तो इधर तो डी डबल हो जाएगा, इधर समांतर का मान कितना है आपके पास में अनंत से लेके कहां तक करोगे आर तक लेके आओगे ना अनंत से, पहले थोड़ा सा निकाल लिया फिर पूरा करेंगे तो आर तक लिमिट रख देंगे। 1/4 pi epsilon naught Q Q naught upon x square into dx। स्टूडेंट्स Q Q naught को आप क्या करो बाहर निकालो, जो जो कांस्टेंट है वो आपके लिए आ जाएंगे। dW का समाकलन कितना होता है W होता है माइनस 1/4 pi epsilon naught को क्या करो बाहर निकालो, Q को बाहर निकालो Q naught को बाहर निकालो, अंदर क्या रहेगा इनफिनिटी टू r dx by x square। एक बात बताओ स्टूडेंट x square ऊपर जाके कितना होता है x की पावर माइनस 2, x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहां से करो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। स्टूडेंट x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दिस माइनस एंड दिस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आपके प्लस, और इसकी जगह पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस 1, x की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो देखो यहाँ से 1/4 pi epsilon naught Q Q naught ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1/x, x की पावर माइनस 1 आया तो जिसको मैंने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1/x। चलो यहां से लिमिट फिक्स करो, x की जगह क्या पुट करना है आपको r और इसकी जगह क्या पुट करना है अनंत, 1/x तो आप अच्छे से इसको नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।